The Ethnologue Catalog of World Languages के मुताबिक दुनिया में टोटल 6,909 लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो चाइनीज सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। बहुत से लोगों का मानना है कि इटालियन या फिर फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अगर प्राचीन भाषा की बात की जाए तो सबसे प्राचीन भाषा में तमिल आता है। फिर भी आखिर नासा संस्कृत में क्यों इंटरेस्टेड है और वो क्यों इसे सीख रहे हैं? दुनिया में किसी भी अन्य भाषा की अपेक्षा संस्कृत में सबसे ज्यादा वर्ड्स का कलेक्शन है। अब तक संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। अगर कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजीज में इसका यूज किया जाए तो आने वाले 10 सालों में यह और भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा बन जाएगी। कंपैरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत यूज करने से सबसे कम शब्दों में ही हमारे वाक्य संपूर्ण हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और MIT जैसे कई मुख्य यूनिवर्सिटीज अमेरिका में संस्कृत सिखा रहे हैं और नासा में भी एक डिपार्टमेंट है जो प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हस्तलिपि पे रिसर्च कर रही है। जुलाई 1987 के फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा था, संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत एक अत्यधिक नियमित भाषा है। नासा ने इसे इस ग्रह पे सबसे स्पष्टता से बोला जाने वाला एकमात्र भाषा घोषित किया है। नासा साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा अभी 6th और 7th जनरेशन कंप्यूटर पे काम कर रही है जो कि संस्कृत भाषा पे आधारित है। वेद, स्मृति, श्रुति और उपनिषद जैसे उन्नत विज्ञान से भरपूर किताब संस्कृत में लिखे हुए हैं। नासा के पास संस्कृत में लिखे हुए 60,000 पांडुलिपि है जिसपे वे रिसर्च कर रहे हैं। संस्कृत सीखने से हमारे दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जिसे बहुत से लोग कठिन समझते हैं, इसमें भी संस्कृत सीख रहे विद्यार्थी काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। इतने सारे लाभ को देखते हुए जेम्स जूनियर स्कूल लंदन ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है और ऐसा ही आयरलैंड के कई स्कूलों ने किया है। यहाँ के विद्यार्थी हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि संस्कृत के फोनेटिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी के एनर्जी पॉइंट से होता है। जब हम संस्कृत बोलते या पढ़ते हैं तो ये एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है, दिमाग रिलैक्स होता है और स्ट्रेस से आज़ादी मिलती है। संस्कृत हम सब भारतीयों की भाषा है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जानकारी कमेंट करके आप दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों के वीडियो ज़रूर दिखाएं, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब भी करें।